ఇప్పుడు మరో ప్రాచీనమైన దేవాలయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మన ఎస్ఎస్ 12 తెలంగాణ ఛానల్ ద్వారా మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇప్పుడు చూడండి, మిశ్రీగంజ్ గాజిబండ లోకల్వై ఉన్న శ్రీ ప్రాచీన గోపాల కృష్ణస్వామి దేవాలయానికి మనం వచ్చాము. ఈ దేవాలయం చూడండి, మనకు అతి ప్రాచీనమైన దేవాలయాల్లో ఒకటైన ఈ దేవాలయానికి 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన దేవాలయానికి ఇది మిశ్రీగంజ్లో ఈ దేవాలయం కొలువై ఉంది. ఈ గుడి గురించి ప్రత్యేకత ఏందో మనం మొత్తం గుడిని చూసి తెలుసుకుందాము. जय श्री कृष्णा. हाँ, सभी बंधुओं से अनुरोध है कि ये मंदिर प्राचीन 1000 वर्ष पुराना है. यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं हैं सब पूरी होती हैं. शादी विवाह उत्सव हाँ 7:30 से 11 बजे तक का टाइमिंग रहता है. हाँ, सभी कोई आप आ सकते हैं और जो भी मनोकामना है यहाँ फेरी लगाने से, भगवान की पूजा करने से पूरी होती है. ये प्राचीन मंदिर है और हम कोई दावा नहीं करते हैं, पर भगवान की असीम कृपा है कि ऐसे मंदिरों में आने से आप लोगों को जरूर फल प्राप्त होगा. जय श्री कृष्णा, राधे. एक मंदिर को गुरु जी हेमंत दबे, वो पंजेशा में रहते हैं,
वो 18 मंदिर और उससे भी ज़्यादा मंदिर देखते हुए आए हैं। उसके महंत यह भी जो देख रहे हैं और अभी आगे इसका दान आगे बढ़ाने के लिए, मंदिर को भव्य बनाने के लिए कई लोग हम जुगाड़ कर रहे हैं, सभी का एक एक लोग जुड़ रहे हैं साथ में और इस मंदिर को एक ऐसा भव्य मंदिर श्री कृष्ण का बनेगा, जहाँ पे एक हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, रासलीला, दांडिया, गरबा यहाँ पे मंदिर में होगा। ये सभी सफाई होने के बाद, कुछ इसके रिपेयर्स होने के बाद आप सबसे निवेदन है, मिश्रीगंज प्राचीन गोपाल मंदिर स्थित, जहाँ पे एक बार भी, कम से कम एक बार तो भी आप दर्शन करने आए। वैसे मैं सोमनाथ मंदिर अलीजा कोटला, जहाँ पे समिति का मैं रजिस्टर्ड समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ भी है, मैं उसके लिहाज से भी हम सभी से निवेदन करते हैं इस मंदिर को भी जागरूक करें। और उसके साथ साथ अभी हम सनातन धर्म सर्व पंथ समिति जैसे जहाँ पे पूरे धर्म हमारे सनातनी धर्म जैन बौद्ध सिख हिंदू सभी लोग एक मंच पे आके त्यौहार मनाते हैं, यही हमारी एकता, यही हमारी सनातन धर्म की पहचान है, जिसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों में भी आप भाग लीजिए और ये प्राचीन गोपाल मंदिर मिश्रीगंज जहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हैं और महंत गुरु जी यहाँ पे देखते हैं, उनका भी आप घर पे जाके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। Mm-hmm.